नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के तमकुहा पंचायत में। दरअसल माजरा ये है कि दो तीन चार सालों से ये जो जिस जमीन पे हम खड़े हैं ये विवादित जमीन बन चुकी है, और इस जमीन पे कोई भी ताजिया या हिंदू धर्म का रामलीला यहाँ कोई अभी फंक्शन होता नहीं है, क्योंकि धारा 144 लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रशासन यहाँ पे मुस्कैदी से अपना ड्यूटी कर रही है, और यहाँ जो ताजिया का मेला लगता है उसका अल्टरनेट व्यवस्था तमकुहा जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो हाई स्कूल है, वहाँ पे कर दिया गया है। कुछ लोगों से जानेंगे, बुद्धिजीवियों से, कि क्यों ये हुआ है और क्या कारण है कि दो धर्मों के बीच में इतना बड़ा युद्ध हो गया, जबकि दोनों धर्म साथ साथ रहते हैं, उनके बिना एक दूसरे का काम भी नहीं होगा, फिर भी ये इतना बड़ा चीज जो है धर्म को लेके इस गांव में कैसे पनका और क्यों पनका। दोनों धर्म में एक अच्छा संदेश जाएगा इससे, यहाँ के जो लोग हैं पानी का बंदोबस्त किए हैं कि जो भी लाठी लोग खेल के आएंगे वो यहाँ से जलपान करके ही जाएंगे। हालांकि ये हनुमान मंदिर का प्रांगण है, तमकुहा में पड़ता है। कुछ लोग हैं जो कमेटी का जो यहाँ व्यवस्था किए हैं उनसे जानते हैं कि इनके मन में किस तरह की आस्था है कि दूसरे धर्म को इतना सम्मान दे रहे हैं। भैया नाम आपका? मैं करण कुमार, सरपंच पति कठार। मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे आप लोग पानी अरेंज किए हैं तो लोग आएंगे लाठी खेलने के लिए, उनको काफी एक अच्छा संदेश भी जा रहा है कि दोनों धर्म में एक अच्छा भाईचारा बन रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मजहब हमें ये सिखाते हैं कि मजहब के माध्यम से जो हमारे त्योहार हैं, जो दूरियां हैं, उसे एक में मिला करके हमें शांति का संदेश देती है, और इसी परंपरा को हम निभाते हुए सभी धर्मों को एक साथ लेकर के भाईचारे के साथ, और हम लोगों ने पानी पिलाने का जो गर्मी का जो काफी उमस है इसमें पानी पिला करके उत्साह बढ़ा रहे हैं, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल एकजुट और एकता बिल्कुल इंसान है, हमें किसी धर्म से कोई वो नहीं है, हम लोग शांति प्रिय से रहना चाहते हैं। जी, यहाँ के कठार पंचायत के मुखिया जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह ये लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भाईचारा बना के रखे और एकता बना के रखे, और दोनों धर्म और धर्म कोई अलग नहीं होता है, धर्म का काम होता है जोड़ना, ना कि तोड़ना। मुखिया जी सबसे मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये दोनों धर्मों को जोड़ने के लिए एक अच्छे से तैयारी किया जा रहा है, क्या सहयोग है और क्या जनता को मैसेज देना चाहिए? जो पहले हुआ सो हुआ, हम लोग इस समय से जो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा देश जो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई है ना, हम लोग मैंने पहले है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलकर हर पर्व में भाईचारे के नाते साथ कदम से कदम तो मिला के चले, है ना, हर काम में हम लोग उनको सहयोग करें, वो लोग हमको सहयोग करें, ताकि भाईचारा का नाता हम लोग का हमेशा बरकरार रहे, ताकि किसी प्रकार के आने वाली पीढ़ी के किसी भी प्रकार की तनाव को सामना न करना पड़े। हालांकि बहुत अच्छा संदेश है यहाँ पे, आप पीछे जो देख रहे हैं हनुमान मंदिर है, और ये जो समुदाय है ये एक ही गांव में एक ही तरह रह रहे हैं, किसी को कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें ये कष्ट होता है और उन्हीं का नतीजा है कि बाकी पूरे समाज को झेलना पड़ता है। जिस तरह से ये पूरा जुलूस निकल रहा है आज, काफी जो यहाँ की प्रशासन है मुस्कैदी से अपना काम कर रही है और शांति पूर्वक ये त्योहार मनाया जा रहा है, और दूसरे धर्म के पक्ष भी काफी यहाँ से लोग जो है काफी अच्छा मैसेज दे रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, जो लाठी खेल रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह इस गांव का जो विकास होगा तो ही होगा, नहीं तो दोनों धर्म के लोग के जो चार साल पहले की स्थिति थी उसमें की स्थिति और अभी की स्थिति में काफी बदलाव नजर आ रहा है हमें। फाइनली चार साल के बाद यहाँ के जो भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय लोग हैं, दो साल जमीनी विवाद और दो साल कोरोना, चौथा साल है 2022 में जाके इनको एक जगह टेम्पररी मिली है जो सरकारी विद्यालय है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सरकारी विद्यालय, और यहाँ पे जो टेम्पररी है, प्रशासन यहाँ पूरा मुस्कैदी से अपना काम कर रहा है और सारे लोग अपना त्योहार को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी जो जगह है आखिर कब तक इन लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे? हालांकि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जस्ट शिव मंदिर है और यहाँ बाउंड्री है जो सरकारी विद्यालय है उसका प्रांगण है, यहाँ पे ये फंक्शन करवाना या कोई और फंक्शन करवाना कब तक उचित है? क्यों नहीं यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर बात करके कुछ ऐसा निर्णय लें कि उनको जो विवादित जमीन है वो सुलझ जाए और एक दूसरे के काम आए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हुसैनी अखाड़ा धवैया है, यहाँ से कुछ लोग हैं जो काफी तैयारी किए थे, लेकिन जगह के अभाव में कुछ ना कुछ कमियां और लगातार चार साल गैप, इसके वजह से जो इन लोग के परफॉर्मेंस में कमी आई है, और कुछ लोग हैं यहाँ जो ग्रामीण हैं और कुछ हुसैनी अखाड़ा से हैं जो धवैया से हैं, किस तरह इस खेल को देखते हैं, जो कमी आ रही है लोगों में या आने वाले पीढ़ी में क्या दिक्कत है, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए।
देखिए पहली बात ये कि आप जो इस बात को बोले हैं कि 4 साल गैप हुआ, हम लोगों के कुछ जो मैटर हुए हम लोग लेकर के अपने यानी प्रशासन से उस चीज़ को मांग कर रहे थे, प्रशासन हमें उस चीज़ को हमें वो जगह मुहैया नहीं कर रही थी जिस बिना पर हम वहाँ नहीं जाते थे। अब रह गई बात ये कि हम लोग 4 साल के बाद यहाँ पर आए हैं जिसमें हमारे तमाम युवा लोग जो खेल भावना को दिखाने के लिए यहाँ तक आए, जिसमें हमारे सबसे मेन लीडर के तौर पे यानी इनको खेल के मैदान में लाने वाले हमारे बड़े भाई गुलाब भाई हैं जो यानी अपने इस खेल भावना को दिखाने के लिए यहाँ तक ले करके आए, और हमारे यहाँ तक आने में प्रशासन ने हमारी बहुत अच्छी से मदद की कि हम लोग अच्छे तरह से चल करके इस जगह पे आए, और आने के बाद से यहाँ के लोगों को हम लोग अपना खेल भावना को दिखाए हैं। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले नेक्स्ट साल में हम लोग अपने उस जमीन को जिस जगह पे हम लोग 4 साल से नहीं जा पा रहे हैं उस जमीन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो न्याय की लड़ाई है। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो सरकार से लड़ रहे हैं, हमें जनता से कोई बात नहीं है। हम लोग अपने कागज को लेकर के कोर्ट में मांग कर रहे हैं, सरकार आगे क्या करती है वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट साल ये तैयारी करके उतरेंगे कि इंशाल्लाह हमारे जिस तरह से हुसैनी आकड़ा धमैया के रहने वाले ये तमाम युवा तैयारी करके इस बार यहाँ अपने खेल भावना को दिखाए हैं, इसी तरह से इस खेल भावना को अपने उस जमीन पर हम लोग दिखाएंगे। यहाँ के जो हुसैनी अखाड़ा है, यहाँ के जो लोग हैं, जो नवयुवक हैं, इनका यही कहना है कि प्रशासन इन्हें फुल सपोर्ट किया है, हर चीज में मुहैया करवाया है, और ये जो सरकार से गुजारिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो पुरानी जमीन है जहाँ ये खेल कूद करते हैं बरसों से सदियों से जब चले आ रहा है हमारे पिता पूर्वज से, वही मांग हो और ये इनकी जमीन मुहैया करवा दिया जाए। अभी मेरे साथ है तमकुहवा पंचायत के मुखिया जी फारूक अंसारी जी, और जस्ट बगल में है कठार पंचायत के राजेश गुप्ता जी, दोनों से जानेंगे क्योंकि ये देखिए अल्टरनेट व्यवस्था है और सरकारी स्कूल है, और यहाँ पे आखिर में कब तक मनाया जाएगा। दूसरी चीज, कितना शांतिपूर्वक माहौल है जो जनता मना रही है, लगभग 10-20 गांव के लोग हैं जो एकत्रित हो गए हैं यहाँ पे, और जो मेन जगह था उसको छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ शांतिपूर्वक जो है कि मुहर्रम का तैया मनाया जा रहा है, अनुमंडल पदाधिकारी बगहा SDPO जो है कि बगहा द्वारा जो है कि शांति समिति की बैठक कराई गई थी, उसमें जो है कि सब संबंधित निर्णय लिया गया और अधिकारियों का प्रशासन का निर्देश हुआ कि जहाँ आप लोग मनाते थे पहले से, जो वर्षों से बहुत युग से, हमको भी होश में नहीं है कि इसके कितने दिन पहले से हम लोग वहाँ मनाते थे, उस जो है कि उसमें विवाद हल्का फुल्का आया था, इसके चलते 144 हुआ 145 के तहत जो है कि आपके अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में लंबित है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी बगान द्वारा कहा गया कि अभी आप लोग जो है कि ये आपका मध्य विद्यालय तमकुआ में ही इस साल मना लें, केस जब फाइनल होगा तो उसमें देखा जाएगा और आप लोगों को न्याय दिया जाएगा। इसके तहत जो है प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से हम लोग यहाँ तैया मना रहे हैं, सभी हिंदू भाइयों का भी सहयोग है, आज सुबह हम सभी लोग दोनों पक्ष बैठे हुए थे, बहुत से हिंदू भाई हम लोगों के साथ में बताऊँ तैया में आए हैं, रास्ते में नाश्ता पानी भी कराए हैं, सबको पानी भी पिलाए हैं, सभी लोग एक जुलूस के साथ मिलकर जो है कि हम लोगों को झाड़ी खेलना, लकड़ी खनना और तैया का साथ आना जाना काम है, जिसका प्रमाण भी है कि ये राजेश गुप्ता जो मुखिया है कठार पंचायत के, जिस पंचायत में वो जमीन पड़ता भी है, ये भी बतौर कंधे से कंधे मिलाकर तैया उठाकर साथ में चले हैं, हम भी साथ में चले हैं, और हम लोग भी यही बतौर सोच रहे हैं कि आने वाले दिन में जब भी जुलूस निकलेगा हिंदू भाइयों को कंधा में कंधा मिलाकर उन लोगों के साथ चलने का काम करेंगे, बस यही हमारी ये बात कहना है। दूसरे कठार पंचायत के हैं राजेश मुखिया जी, सर मैं आपसे कुछ चंद सवाल करूंगा, बहुत अच्छा शांतिपूर्वक। और दूसरा चीज, जो कमेटी है यहाँ की, जो हनुमान मंदिर पे काफी आयोजक किया था, जिसको लोगों को पानी पिलाना, शक्कर खिलाना, इस तरह का, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में ये जो माहौल है क्रिएट हुआ है वो ठीक हो जाएगा? एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम माहौल जो आने वाले दिनों में हम लोग एक साथ रहकर कदम से कदम मिलाकर जो है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, हम लोग कोई मतभेद की भावना नहीं रहेगी। और जो रहा जो बात जो है कि वो जो न्यायालय में जो चल रहा है, तो जो जो न्यायालय का जो फैसला होगा वो लोग तो सर्वमान्य होगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक यह जो है माहौल, हमको भी बहुत खुश है, हम बहुत खुश है, हमारे यहाँ के भी प्रतिनिधि लोग भी बहुत खुश है कि ताकि ये जो पहले का जो रीति रिवाज देखा जा रहा है, जो इस समय देखा जा रहा है, उसमें बहुत फर्क है। हम लोग चाहते हैं कि सबको कंधा से कंधा मिलाकर अपना भाईचारे के नाता से अपना पर्व मनाए और सबको खुशी राजी से सबको जाए जी। कुछ और चीजें हम मुझे ये बताइएगा, जो यहाँ स्थानीय पुलिस है और भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, काफी ये जगह क्रिटिकल है, यानी झगड़ा झंझट
माना जाता है, तुमको वहाँ एक ऐसा पंचायत है, क्या कितना प्रशासन आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़? प्रमाण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इस जुलूस में रात में भी हमारे अंचलाधिकारी सीओ और आपको जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आपका पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी का विशेष तौर से सहयोग, सभी पक्षों से मिलकर जो है कि रात 4 बजे थाना प्रभारी जो है कि गए हैं सभी जुलूस के साथ रहते हुए वातावरण सबका शांति से, अभी भी अप्रमाण के तौर पूरे वातावरण दल बल के साथ हम लोगों के बीच में चल रहे हैं लोग, सभी प्रशासन लोकल के जितने प्रशासन है सबको जो है कि जरूरत से ज़्यादा बहुत अच्छा सहयोग मिला है, हम उनको अपने तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो भी लोकल प्रशासन है, यही यहाँ के जो मुखिया जी हैं, इनका यही कहना है कि काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, लगी है पूरा एक हफ्ते से इस कानून व्यवस्था बने रहे और लोग शांतिपूर्वक अपना त्योहार मना सके। अच्छा करते हैं कि यहाँ के लोग दोनों पंचायत का ये सीख लेंगे और आने वाला जो पीढ़ी है ये जो झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा और भाईचारे से रहेंगे। ये खबर दे रहे थे मधुबनी से सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज 24 के लिए।